प्यारे बच्चों, होनहार विद्यार्थियों, तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही मजेदार होंगे, स्वस्थ तो होंगे, और कुछ लोग तो बेचारे टेंशन में ही डूबे होंगे। टेंशन मतलब पेपर का टेंशन, कुछ और टेंशन नहीं कह रही हूँ। तो ध्यान देना बेटा कि आज के सेशन में आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने 3 यूनिट तक जितने क्वेश्चन बनते हमारे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3, 4, जो भी 5 है, 4 मार्क्स का तो आया नहीं है, अभी आने वाला है, 5 तक के कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हमारे 4th यूनिट की हम बात करेंगे, यानी कि 4th यूनिट, ठीक है। और 4th यूनिट में आप जैव प्रौद्योगिकी के बारे में देखोगे कि जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं। दोनों ही जैव प्रौद्योगिकी का ही है, ठीक है। एक में क्या होता है और दूसरा क्या प्रयोग है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में बेटा हम याद करने वाले हैं क्या, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आता है और किस तरीके से आंसर देना है। मैं फिर रिपीट करती हूं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हर साल चेंज होते हैं। ये आपको देखना बस है कि इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लो कि भाई क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। पता चला कि तुम लोग उसी के भरोसे है कि भाई पिछले साल जो आया वही आ गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कम चांसेस होते हैं इसके आने का। हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा वाला, सेट करने वाला को थोड़ा सा पता नहीं क्या याद आ गया होगा, कुछ ज्यादा ही खुश होगा तो डाल दे, है ना। होता है ना, कभी कभी हम एकदम ज्यादा खुश में रहते तो फिर डाल देते हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। हमारे पहले प्रश्न में देखेंगे, लेकिन पहले प्रश्न को देखने से पहले हम देखने वाले हैं क्या, इस चैप्टर के नाम को, जो है क्या, 4 यूनिट, 4th यूनिट, 1 अंक वाले प्रश्न, 2 चैप्टर होते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है क्या आपका जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत व प्रक्रम क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सबको पता है बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आप जीन्स का एकदम फेर बदल कर दो, मतलब कम समय में भी मानव अपनी इच्छा के, मतलब अपनी अनुसार, मानव अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहिए वो करेगा, ठीक है, कम समय में, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। अभी बायोटेक्नोलॉजी का जो करेंट है ना, क्रेज जो चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका जेनेटिक, मतलब हम बात करें कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन के क्षेत्र में हो, चाहे हम फार्मिंग के क्षेत्र की बात करें, कृषि मतलब सब्जी हमको ज्यादा उगाना है उस पर बात करें, फार्मिंग पर बात करें, चाहे हम अगर बात करें जैसे अपने को बड़ा बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल के क्षेत्र में इसका यूज कर सकते हैं। जेनेटिक क्या है, डीएनए फेरबदल, सीधा सीधा बात क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, जीन्स का फेरबदल करते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार हम क्या कर देते हैं, नया पौधा हो, नया जीव हो, नया जो भी हो, वो विकसित कर देते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। तो ये क्या है, जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही विशाल होता है, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी मतलब आ गया, मतलब बायो का मतलब ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी चीजें होगी वो लिविंग जीवों का, मतलब जीवित जीवों का ही प्रयोग करके, चाहे वो डीएनए हो, चाहे हार्मोन, कुछ भी, लेकिन जीवित जीव, ठीक है, इसका प्रयोग करके ही हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे आएगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगी, क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। अब इससे पैसे मोटा मोटी दिमाग में बस बैठा लो, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे और चैप्टर की बात करें तो क्या है, इसी जैव टेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, इसके क्या उपयोग है, हम इस पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, हमारा क्या है पहला प्रश्न पर हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन, देखो ह्यूमन जो बनाता है यानी कि मानव जो है, हम इंसान है, हम क्या है, मानव है, हम ह्यूमन है। अब हमसे जो भी निर्मित इंसुलिन होगा उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है, ह्यूमन में होने वाले इंसुलिन का नाम पूछा है। तो क्या है बेटा, ह्यूम्यूलिन, ठीक है, हमाउलिन मत पढ़ देना, ह्यूम्यूलिन है वो, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, मानव निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है, मानव में उत्पन्न होने वाले इंसुलिन का क्या नाम क्या है, तो लिखोगे आप क्या,
ह्यूमिडिटी, जितना पूछा उतना ही लिखोगे। बार बार रिपीट करती हूँ, एक नंबर का प्रश्न है और एक नंबर के प्रश्न को एक नंबर के लायक ही लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, इसको जीनोमिकी के नाम से भी जाना जाता है। जीनोमिकी मानव आपका जीनोम परियोजना, ठीक है। आगे इसको डिटेल भी बताने वाली हूँ तो थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक। तो ये है आपका इंसुलिन के बारे में बात हो गई, तो इंसुलिन देखे ही हो गई, ये है हम लोग। अच्छा, इंसुलिन से आ ही गया तो एक चीज और याद रखना, इंसुलिन किसको दिया जाता है भाई, कौन से पेशेंट को हम इंसुलिन देते हैं, आप मुझे ये बताओ। इंसुलिन हम किसको देते हैं, क्या है इंसुलिन। इंसुलिन याद रखोगे क्या होता है, मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रही हूं, पढ़ा दे रही हूं। इंसुलिन बेटा ध्यान रखोगे, ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन होगा ये कहां पाया जाता है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, इंसुलिन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रेडिन की प्रोड्यूस होगा। तो इंसुलिन जो होता है कौन सा सेल देता है, इंसुलिन हार्मोन कौन सा सेल जो है प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो याद रखोगे कौन सा सेल, पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास, ठीक है। तो पैनक्रियास जो होता है, पैनक्रियास एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, जिस पर हमको पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि मेरे साथ नहीं पढ़े हो तो, क्योंकि मैंने 11th में ही सारी चीजें बताई है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर चाहते हो कि इसके बारे में भी मैं पढ़ा दूं तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। फिलहाल तो 12th में नहीं आता, बस ध्यान रखो ये चीज को। पैंक्रियास जो होता है, पैंक्रियास एक ग्रंथि होता है और ग्रंथि से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो भाई हार्मोन के सिक्रेशन के लिए दो प्रकार के सेल चाहिए हमको। यहां पर पैंक्रियास जो लैंगरहैंस द्वीप समूह होता है, वहां से एक स्ट्रक्चर है लैंगरहैंस द्वीप समूह, वहां से दो टाइप के सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल। ध्यान देना क्या बोल रही हूं, इंसुलिन का प्रोडक्शन होना है, इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में, तो वो पैंक्रियास ग्लैंड के थ्रू होता है। पैंक्रियास जो होता है उसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती है, बी सेल और टी सेल। ये जो हमारा बी सेल होता है, यही जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि इंसुलिन को उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन, बी सेल करता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये इंसुलिन हार्मोन है जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, हमारे अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, समझ आ रहा है। जितने भी आप शर्करा वाली चीजें यूज करते हो, शक्कर वाली चीजें यूज करते हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, सुक्रोज, माल्टोज, जो भी, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखता है हमारा क्या, इंसुलिन, ठीक है। अब जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है तब क्या करते हैं भाई, बाहर से हम इंसुलिन लेते हैं, और यही है वो बाहर का इंसुलिन, जिसको अलग से इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी पर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। इंसुलिन किसको देते हैं, तो याद रखोगे डायबिटीज का जो पेशेंट होता है, ध्यान रखना, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के रोगी जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं मधुमेह भी कहते हैं, सुने होंगे मधुमेह, मधुमेह बीमारी, ठीक है। डायबिटीज ज्यादातर सुने होंगे, मधुमेह कम सुने होंगे, ठीक है। वो मधु वाली मधु नहीं है, ये भी याद रखना, पता चला वो मधु मधु करके शुरू हो गए, ठीक है, तो ये मधु वाली मधु नहीं है। तो मधुमेह एक डिसीज होता है, बीमारी होता है, जो जिसको हम कहते हैं डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आणविक कैची किसे कहते हैं। तो आणविक कैची क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत बार इसका मैं 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में भी बताने वाली हूँ। चाहो तो अभी बता सकते हो, पर 1 नंबर का क्वेश्चन तो 3 नंबर में ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। याद रखना, आणविक कैची किसे कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया है कि मैडम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी करके बता दीजिए, ठीक है भाई, इसको भी थोड़ा इंग्लिश कर देती हूँ। इसको कहते हैं बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या है कि ये जो है ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना हुआ था, इसलिए मैं ज्यादातर हिंदी का ही यूज कर रही थी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी इंग्लिश का भी, ठीक। चलो, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया जाता है भाई, आणविक कैची किसको बोलते हैं, ठीक है। आणविक कैची क्या होता है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर कह देते हैं इसको, ठीक है। अब ये कैची है क्या चीज, ध्यान देना, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, कैची की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक कैची, कैची का काम क्या होता है भाई, कैची को पटाक से काट दो,
ठीक है, मुझे ये काटना है तो कैंची से मैं क्या करती हूँ, कट कर देती हूँ। लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो कैंची होगी जिसको हम कहते हैं एक एंजाइम कहते हैं, एंजाइम्स क्या करता है, डीएनए के खंड को काटने का कार्य करता है। ध्यान देना, फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेशन एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम यानी कि जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम्स कहते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डीएनए के खंड को, कौन से खंड, विशिष्ट खंड को, एक स्पेसिफिक जगह को ही कट करने का कार्य करता है। मान के चलो, ये अगर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं दिख रहा होगा, इसको 3 मार्क्स में मैं फिर से बनाने वाली हूं, तो थोड़ा सा बस यही यही देख लो ऐसा मैं क्या बताने वाली हूं, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर बना है डीएनए का इस तरीके से। ये डीएनए, भाई साहब आपका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर होता है, और क्या होता है, रेखीय डीएनए होता है, यही होता है क्या, रेखीय डीएनए। अगर ये सर्कुलर डीएनए को आप सीधा करोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, चाहे हम रेखीय की बात करें चाहे सर्कुलर डीएनए की बात करें, है ना, लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो डीएनए का जो साइट होता है, डीएनए का जो डीएनए जो है, डीएनए के कोई भी स्टेज को हम कहते हैं विशिष्ट साइट। हर साइट पर नहीं होगा, ध्यान देना, डीएनए की किसी विशिष्ट साइट को कट करने का काम करता है आपका कौन, भाई साहब एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम जो होता है डीएनए के किसी विशिष्ट पार्ट को ही कट करने का कार्य करता है। इसलिए जो पूछा, भाई साहब बता दो कि आण्विक कैंची किसे कहते हैं, तो ये होता है क्या, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम्स को कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम, ये डीएनए का खंड और डीएनए के किसी विशिष्ट पार्ट को ही ये क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है। अब ध्यान रखना ये भी चीज, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम जो होता है वो कई अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। कोई अलग विशिष्ट साइट को काट रहा है नाइट्रोजन बेस को, किसी अलग नाइट्रोजन बेस को काट रहा है, क्योंकि हमारा डीएनए नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बना होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन बेसिस में हो सकता है कि किसी 3 वाले नाइट्रोजन बेस को काटे, किसी में 6 नाइट्रोजन बेस को काटे, तो अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग कार्य होता है। कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, देखो यहां पर, देखो एक और डायग्राम बनाई हूं, एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम जो होता है, एक का नाम है कैसे, इको आर फर्स्ट, ठीक है। इको आर फर्स्ट जो होता है ये आपके GAATTC इसी साइट को ही काटता है, ठीक है। यानी कि आगे से पढ़ो चाहे पीछे से भी पढ़ो, एक ही शब्द आना चाहिए, जैसे मैडम, MADAM, ठीक है, एक शब्द है MADAM। आप आगे से पढ़ो मैडम को तब भी मैडम पढ़ोगे, पीछे से भी पढ़ोगे तब भी क्या पढ़ोगे, मैडम ही पढ़ोगे। तो आगे और पीछे दोनों साइड से पढ़ने पर शब्द एक ही आना चाहिए, ऐसे विशिष्ट स्थल को ये क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। कौन कौन करेगा, इको आर आई फर्स्ट जो है, जिसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम है, और वही क्या करेगा, इसको काटने का काम करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये है क्या, एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम, ठीक है। इसका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, तो आगे मैं 3 मार्क्स में भी इसको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी वहां पर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लक्ष्य जीन को पृथक करने के लिए कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, टारगेट जीन, लक्ष्य जीन, ठीक है, उसको पृथक करने के लिए भी हम इसी एंजाइम्स का यूज करते हैं। धड़ धड़ से याद कर लो, इस एंजाइम्स को निचोड़ दो भाई साहब, आप लोग निचोड़ के पी लो, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, 4 नंबर के प्रश्न में भी ये आएगा, और आपको लिखना ही है, ठीक है। ये नहीं कि बस हो गया एक बार तो पढ़ लिए, बार बार क्यों रिपीट कर रही है मैडम, ये काम नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आपको जिस चीज को मैं एकदम कहती हूं कि इसको पढ़ ही लेना, मतलब आप उसको घोल के पी लो, ठीक है, आपको जहर बना के पी लो भाई। अब सॉरी ये जहर ज्यादा हो गया, जहर पियोगे तो ऊपर चले जाओगे, जहर मत पियो भाई, इसको कोल्ड ड्रिंक बना के पी लो, ठीक है। चलो चलो आगे देखो, प्रश्न क्या दिया है, किन्हीं 3 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम के, अभी मैं बताई ना, प्रतिबंधन यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सन नहीं लिखी हूं, पर यहाँ पर याद रखना कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो बार बार रिपीट हुए हैं। रिपीट का मतलब यह है कि एंडोन्यूक्लियेस एंजाइम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं यहां पर डाल चुकी हूं, तो वो श्योर है कि जैसे भी प्रश्न आए आप बना लोगे, ठीक है। चलो तो प्रतिबंधन कौन कौन सा है भाई, इको आर आई फर्स्ट अभी बता दी, GAATTC को काट दिया इस जगह को, उसी तरह ये हाइंड सेकेंड, हाइंड थर्ड, ये
तीन टाइप के जो आपके एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए के विशिष्ट नाइट्रोजन बेसिस को काटने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं, क्योंकि हमको पता है डीएनए जो होता है फॉस्फेट ग्रुप पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस से, और नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो भी प्यूरिन और पिरिमिडिन होंगे यानी कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, है ना। तो उसके किसी विशिष्ट साइट को ही ये क्या करेंगे, काटने का कार्य करते हैं। इतनी बातें क्लियर बालकों बालिकाओं, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, पीसीआर का पूरा नाम क्या है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल भी बताने वाली हूँ, याद रखना पीसीआर को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है। बस इतना याद रखो डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, लिखा हुआ है यहां पर देखो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। इसको ज्यादा अच्छा है कि आप इंग्लिश में याद रखना पॉलीमरेज चैन रिएक्शन को, ध्यान रखो। इसमें कौन सा एंजाइम्स यूज होता है, जब भी पीसीआर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन कहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन पीसीआर का मेन काम होता है डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार करना, डीएनए की कॉपी तैयार करना, ध्यान देना डीएनए की मल्टीपल, डीएनए की बहुत सारी कॉपियां, एक डीएनए से हम बहुत सारे डीएनए बना सकते हैं, ये होता है आपका क्या पीसीआर। एक मशीन दिखाती हूँ, अभी फोटो रखी हुई है आप इस लोगों के लिए रखी हूँ, देख लो मेरी फोटो। चलो तो डीएनए जो है एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक एंजाइम्स का यूज करेंगे, और उस एंजाइम्स को कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आप लोगों को याद होगा आपने जो डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, छठवां अध्याय जो पढ़ा हुआ है सिक्स चैप्टर में, डीएनए वॉटसन एंड क्रिक मॉडल याद आया, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा डीएनए अर्धसंरक्षित विधि, ये भी पढ़ा होगा, और एक डीएनए से जब डबल डीएनए बनता है, ठीक है, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन जो होता है, उसमें आपने देखा होगा कि डीएनए में जब डीएनए बनता है तो डीएनए से पहले क्या बनता है आरएनए, इस चीज को याद रखना। पता चला आप लोगों ने डीएनए से डीएनए बना दिया लेकिन आरएनए को बनाया ही नहीं, तो डीएनए बनने से पहले आरएनए बन जाता है, इस चीज को खास ख्याल रखोगे, एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो डीएनए से जब कॉपी बनाते हैं तो वहां पर एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, इसी से है डीएनए की हम मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं पीसीआर मेथड के थ्रू, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन क्या दिया भाई, बैक्टीरियोफेज, अच्छा मैं दोनों का डायग्राम दिखा रही हूं ना, ध्यान देना अभी दोनों का डायग्राम देखोगे पीसीआर का डायग्राम कैसा दिखता है, पता चला आपने देखा ही नहीं है, क्योंकि जब मैं आदित्य बायोटेक्नोलॉजी लैब में काम कर रही थी फर्स्ट टाइम मैंने वही देखा था जब मैं एमएससी पढ़ रही थी, ठीक है। उससे पहले तो मुझे पीसीआर क्या होता है ये पता ही नहीं था, ठीक है। तो उस समय मैंने फाइनली सामने से देखा, क्योंकि अब पता होना चाहिए कि भाई डीएनए की भी कॉपी बनती है, ये तो हमें पता ही नहीं था, अब पता चलेगा कि कैसे होता है, ठीक। चलो मैं दिखाई देती हूँ, पता चला आप बोलो कि मैडम क्यों नहीं दिखा रही, भाई साहब दिखाई देती हूँ क्या, इतना क्या दिक्कत है भाई, चलो आते। ये है आपका पीसीआर, ठीक है, ये क्या है पीसीआर, देखो एक छोटा सा मशीन दिख रहा है, और इस पीसीआर में देखो इस तरीके से डिब्बा के समान संरचना दिख रहा है, क्या ये ओरिजिनल है, ये क्या है ओरिजिनल, कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, टेम्परेचर कितना देना है, ठीक है, उसमें आपका टाइमिंग सेट रहता है, कितने टाइमिंग में सेट करना है, ठीक है। देखो यहां पर क्या दिखा के दिया है, ये है क्या सैंपल चैम्बर, मतलब क्लोज करने वाला, ठीक है, आग पर बंद डब्बे, देखो डब्बे जैसे दिख रहा है ना, यहां पर सैंपल चैम्बर में क्या करोगे सैंपल को डाल दोगे, ठीक है, जिसमें जिसकी कॉपी बनाना है उस इसको वहां पर डाल दो, ठीक है, ऐसा बॉक्स में छोटे छोटे ट्यूब जैसा रहता है उसमें डाल देते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या होता है भाई साहब, यहां पर उसका टाइमिंग डिसाइडेड रहेगा, टाइम कितने टाइमिंग में अपने को करना है वो, और यहां पर एक टेम्परेचर डिसाइडेड रहता है, ठीक है, और टेम्परेचर दोगे तब वो क्या करता है काम करना शुरू कर देता है, ठीक। तो ये होता है क्या एडजस्ट करने वाला वो होता है स्टार्ट करना स्टॉप करना, तो ये है आपका पीसीआर। कभी देखे नहीं होगे तो देख लो भाई, ठीक है, कभी देखे नहीं हो तो देख लो, इस तरीके से अरेंज रहता है, ज्यादातर स्कूलों में नहीं मिलेगा, वो कॉलेज में पहुंचोगे तब मिलेगा, लैब में मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये है आपका पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज, नाम है जीवाणु लेकिन जीवाणु नहीं है ये, जीवाणु भोजी एक वायरस है, क्या है वायरस है, बैक्टीरियोफेज क्या है एक वायरस होता है, ठीक है, और
ये क्या है? जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? मैं तो आंसर ही बता रही हूँ। जीवाणु भोजी क्या है? जीवाणुओं को, अच्छा ये भी है, जीवाणुओं को भोजन के रूप में संक्रमित करे, ऐसे याद कर सकते हो। पता चला जीवाणु भोजी सोच करके तुम सोचो कि भाई साहब ये बैक्टीरिया तो नहीं है, ये जीवाणु तो नहीं है, ठीक है, तो मत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो, बैक्टीरियोफेज कौन है? वायरस है भाई साहब, जैसे कोरोना वायरस है ये भी वायरस है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस होता है। किसको किसको ये संक्रमित करता है, इन्फेक्ट किसको करता है? तो ज्यादातर इन्फेक्शन जो होता है ये बैक्टीरिया को करता है। देखो डायग्राम, डायग्राम से समझ जाओगे। देखो ये है आपका भाई साहब एक पता नहीं चंगू मंगू सा दिख रहा है एकदम से, तो ये है आपका बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज में देखोगे ये हेड भाग होता है आपका, ये क्या है? शिर है, ठीक है, हेड भाग है, ये पट आपका नेक होता है, और ये आपका क्या हो गया? टेल भाग, यानी कि पीछे वाला भाग, ठीक है, पूंछ वाला भाग। तो यहां पर देखो हेड वाले भाग में रहता है आपका डीएनए, इस तरीके से डीएनए इसमें पाया जाता है, ये है आपका डीएनए, ठीक है, हेड में पाया जाता है डीएनए। और ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, इस बैक्टीरिया, ये क्या है? एक बैक्टीरिया होता है, और कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, इस बैक्टीरिया पर क्या करता है, ये अटैक करता है, इसमें पूंछ भाग से ये चिपक जाता है, और इस जब चिपक जाएगा तो ये अपने डीएनए को क्या करता है, इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से बनने लगते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये किसको किसको इन्फेक्ट किया है? बैक्टीरिया को करता है। ये क्या है? ये हमारे मामा नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब? ये है आपके बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले को हम क्या बोलिए? बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ना कि ये बैक्टीरिया है, इज अ वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, ठीक, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है भाई प्रश्न? भाई लिखा है हिंड सेकेंड डीएनए अणु को कहां से काटता है? अभी देखे थे ना प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है आपका हिंड सेकेंड। डीएनए अणु कहां से कट करेगा? तो ये भी एक विशेष बिंदु को काटेगा, जहां पर छह क्षारक बेस पेयर का विशेष आपका क्या होगा? सीक्वेंस होगा, ठीक है। कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो, लेकिन वो सिक्स होना चाहिए, वहां पर एक विशिष्ट साइट को ही कट करने का कार्य करता है। अभी जस्ट बताई हूं आप लोगों को, ठीक है। डीएनए खंड में कौन सा आवेश होता है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखेंगे। निगेटिव चार्ज होता है आपका डीएनए, प्लस नहीं होता। एक कई बच्चों ने यहां पर एक जब मैं अभी क्वेश्चन दी थी इसको दी, अभी भी पेपर में दी थी आपके हाफ ईयरली में, ठीक है। तो वहां पर हाफ ईयरली में मैंने क्वेश्चन दिया था कि डीएनए खंड में कौन सा चार्ज होता है, तो आप याद रखोगे। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है यहां पर पॉजिटिव लिख करके, बल्कि वो होता है क्या? निगेटिव। मैंने हालांकि पढ़ाया था, पता नहीं बच्चे लोग का दिमाग कहां जाता है, ठीक है, कौन से तंत्र मंत्र में घुआ हुआ है भगवान जाने, पर ऋणात्मक आवेश होता है। आप लोग वही लिखोगे भाई साहब, आप लोग बिल्कुल माइनस चार्ज ही लिखोगे, ऋणात्मक ऋणात्मक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है भाई साहब आपका प्रश्न क्या दे दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को देखने के लिए किससे अभिरंजित कर दिया? सबको पता होगा इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर जैसे दिखाई देगा इथिडियम ब्रोमाइड को, डीएनए को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रो, अच्छा बार बार मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रही हूं, तो मैडम एक बार इसका भी डायग्राम दिखा देते तो क्या बिगड़ जाता, ये भी मत बोल दो, ठीक है, इसी के लिए ये भी लाई हूं। पता चला आप वो भी मैसेज कमेंट करके लिख दो, मैडम इसका भी डायग्राम दिखा दो, क्या बिगड़ जाएगा आपका, है ना, बोल सकते हो, कोई भरोसा नहीं। तो भाई इसके लिए मैं आप लोगों के लेके ले आई हूं, इसका डायग्राम भी रखी हूं, देख लो, कभी तो देखे नहीं होगे तो देख लो भाई यहां सब। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड को हम अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। आप एक चीज और याद रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड को अलग किया जाता है, ठीक है। पीसीआर में क्या किए थे हम? डीएनए की कॉपी तैयार किए थे भाई साहब, दोनों देखो ध्यान देना, पीसीआर इलेक्ट्रोफोरेसिस दो चीजें हो गई। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया? डीएनए को अलग कर दिया, ठीक है, अभिरंजन डालेंगे तो हमको डीएनए दिखता है, ठीक है। अब इस डीएनए को देख लिया, देखने के बाद हम क्या करेंगे? उसकी कॉपी तैयार करेंगे, हम पीसीआर से बहुत सारी कॉपी तैयार करें, तब हम पीसीआर का यूज करते हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलो तो ये क्या है? डीएनए खंड को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और देखना है तो हम क्या करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। चलिए भाई दिखा देते हैं डायग्राम। ये रहा महान वो शख्स जिसको हम देखने वाले हैं, जिससे हमारे ही डीएनए की क्या होगी, हम देख लेंगे, और क्या हम देख लेंगे इससे,
है ना, लेकिन पीसीआर में कॉपी बना देंगे। हाँ चलो, ये है आपका क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये ही आपका क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ओरिजिनल डायग्राम है। इस तरीके से पूरा अरेंज होता है, मैंने बताया ना, मैं एक बार देखी हूं जब मैं लैब में काम करती थी, आप ही नहीं देखी हूं भाई, बहुत दिन हो गया नहीं देखी हूं, पर पहले देखी थी, ठीक। चलो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इस तरीके से डीएनए की मल्टीपल कॉपी जो होती है, देखो ठीक है ना, डीएनए बेंड्स, डीएनए क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करता है, मूव करने लगता है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक तरफ क्या लिखा है, कैथोड बना हुआ है, एक तरफ एनोड है। एनोड क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है, माइनस चार्ज। चूंकि हमारा डीएनए कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, सबको पता है ना, डीएनए कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होगा। तो डीएनए इधर है माइनस चार्ज की, और यहाँ पर पूरा डीएनए का सैंपल है, अब ये कहाँ जाएगा भाई साहब, प्लस की तरफ मूवमेंट करेगा, प्लस है ना, प्लस की तरफ तो जाएगा ना, गति करेगा। तो ये इस तरीके से चार्ज में जेल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसी जेल में इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है ताकि डीएनए को आप देख सको, ठीक है। ये देखो बैंड के रूप में दिख रहा है ना, इस तरीके से डीएनए बैंड ये होता है, ठीक है। लार्ज, बड़ा बैंड सामने रहेगा और छोटा बैंड आगे, क्योंकि छोटा बैंड आगे जल्दी जल्दी गति कर पाएगा, बड़ा बैंड थोड़ा सा उसका वेट ज्यादा है तो कम कर पाएगा, ठीक है। तो ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, और इस तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं, और हम इसको काट काट के अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया है भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड यानी कि PBR322, ठीक है, PBR322 में पाए जाने वाले दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स का नाम बताना है, कौन कौन से होते हैं। आपने देखा होगा, अगर प्लाज्मिड आपने अगर पढ़ा है तो आप बिल्कुल जानेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड क्या होता है भाई साहब, कहां रहता है, तो वो बैक्टीरिया में होता है, हर बैक्टीरिया में नहीं होता, ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, देखो लिखा हुआ है ई कोलाई बैक्टीरिया का ये क्या है, प्लाज्मिड। हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता, याद रखेंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जहां पर प्लाज्मिड पाया जाता है। अब प्लाज्मिड क्या है ये भी सुनो, डीएनए ही होता है एक प्रकार का, ये क्या है, डीएनए ही होता है प्लाज्मिड, याद रखोगे, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तब ये प्लाज्मिड का यूज होता है, ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो, तो बैक्टीरिया में हमको पता है दो टाइप के डीएनए अब पाए जाते हैं, कुछ में, पूरे में नहीं, पता चला पूरे में बोले नहीं, तो ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया में एक तरफ हम बना देते हैं क्या भाई साहब, एक तरफ क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए हर में पाया जाता है, और एक तरफ होता है प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, यही वो प्लाज्मिड डीएनए है। अब इस प्लाज्मिड डीएनए में क्या होता है भाई, डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं, हम सबको पता है डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो यहां पर पूछा है दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, किसमें, प्लाज्मिड डीएनए में, कौन सा प्लाज्मिड, PBR322 में। तो कौन सा जीन्स है, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस लिखा है, और ये क्या लिखा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो दो यहां पर जीन्स पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये पूछा है पीबीआर में दो प्रतिजैविक जीन्स कौन कौन से है, तो भाई साहब एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इसीलिए डायग्राम को यहां पर डाल चुकी हूं मैं, ठीक है, ताकि एक बार देख लो, माता राम लोग देखो तब तो सीखोगे कि कहां पर होता है, पढ़ पढ़ के कितना सीखोगे, डायग्राम देख के सीखो, जब हम किसी चीज को देखते हैं ना वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 12 प्रश्न, और ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का सेशन। तो उम्मीद करती हूँ जितना पढ़ाई होगी सब लोग याद रखे होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ही बड़ा सा थैंक यू डाल दी हूँ भाई साहब, थैंक यू है, क्योंकि आज का सेशन हमारा खत्म हो चुका है। तब तक के लिए चलो मुझे इजाजत दो, धन्यवाद, और नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट जो है एक नंबर का ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। चलो फिर, थैंक यू।